उनकी संगति में ये तिक्रमी बिहार को नाश करने में लगा है। लोकतंत्र पर लाठी का प्रहार, आप उस पर लाठी प्रहार कर करके लोगों के लहू बहा करके हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए। कांग्रेस, राजद और जदयू मिल करके इसके तानाशाही प्रवृत्ति के विरोध में जन आंदोलन एक तरह से ये शुरुआत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बीते दिन आप लोगों ने देखा कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि 24 जुलाई से 24 अगस्त तक हम प्रदर्शनी लगाएंगे। जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा मार्च के दौरान हम पर लाठीचार्ज कराई है और हमारे महामंत्री जहानाबाद के विजय कुमार सिंह की निधन हो गई है, उसके बाद से सम्राट चौधरी काफी आक्रोश में दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी के अलावा बीजेपी के तमाम नेता काफी आक्रोश में हैं और सम्राट चौधरी ने बीते दिन यह ऐलान किया था कि 24 जुलाई से 24 अगस्त तक हम लोग प्रदर्शनी लगाएंगे कि किस तरीके से बिहार सरकार हमारे ऊपर लाठीचार्ज की और हमारे कार्यकर्ता की उसमें निधन हो गई। उसको लेकर आज विजय सिन्हा ने जमकर नीतीश कुमार को सुनाया है और बिहार सरकार को भ्रष्टाचारी का नाम भी दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, आप सबसे पहले उनको सुनिए। लोकतंत्र पर लाठी का प्रहार और लोकतंत्र को मिटाने का वंशवादी भ्रष्टाचारी लोग राजतंत्र स्थापित करने के विरोध में यह शुरू हो रहा है। शांतिपूर्ण लोकतंत्र में जो अधिकार है विरोध करने का, गलत नीतियों का, आपके गलत नियत का, आप उस पर लाठी प्रहार कर करके लोगों के लहू बहा करके हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए। आज ये मानसिकता, शिक्षक अगर जो आंदोलन करे उस पर लाठी प्रहार, कृषि वाले, कृषि सलाहकार आंदोलन करे उस पर लाठी प्रहार, आंगनबाड़ी हो या अन्य हमारे संविदा कर्मी हो, सब पर लाठी प्रहार, ये मानसिकता के विरोध में हम लोग हस्ताक्षर अभियान प्रदर्शनी के माध्यम से एक विरोध दर्ज करेंगे, महामहिम राज्यपाल तक इसको पहुंचाएंगे। ये पूरा भी चलेगा ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि ये कांग्रेस की संगति में आने वाले जो आपातकाल लगाया था, जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं था, उनकी संगति में ये तिक्रमी बिहार को नाश करने में लगा है। कांग्रेस, राजद और जदयू मिल करके इसके तानाशाही प्रवृत्ति के विरोध में जन आंदोलन एक तरह से ये शुरुआत होगी। आप लोगों ने सुना कि विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा। विजय सिन्हा ने सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के साथ साथ कांग्रेस और राजद को भी जमकर सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार सरकार में भ्रष्टाचारी हो रही है और लोकतंत्र में लाठियां बरसाई जा रही है, धरना के दौरान हमें बोलने का अधिकार तक नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली और नीतीश कुमार की क्या नतीजा होने वाली है ये खुद विजय सिन्हा बता रहे हैं। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।